ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਹੁਰਾ ਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1270 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿਖੇ ਜੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਵਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜੀ। ਉਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਪੀਸਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਚੱਕੀ ਕੋ ਬੇਲ ਲਗਾ ਕਰ ਪੀਸਕੇ ਖਾਤੇ ਥੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਇਆ ਹੈ।
आए तो ऐसे रूप में आए थे वारकरे के रूप में, किसी को पता नहीं चला है नामदेव बाबा है तो। इस दीवार के बाजू में एक सोफीट ऊंचाई का शंकर भगवान का बड़ा मंदिर है। वही मंदिर का दरवाजा पुरातन में पूर्व दिशा में, ये चलती दिशा है, ये उतरती दिशा है। वो मंदिर की उम्र है 5,500 की उम्र है। श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार में मंदिर बने वाला है। जैसे अपन जमीन पे खड़े हैं वैसा मंदिर जमीन पे खड़ा है। नीचे से न्यूज को फाउंडेशन मंदिर को नहीं है। तो जब बाबा जी आते पूर्व दिशा के दरवाजे के सामने खड़े होकर भजन कीर्तन सुना, उस समय आता मेरा था महाशिवरात्रि का दिन, लाखों संगत दर्शन के लिए आई थी। तो बाबा जी के पास जाकर उपदेश रुकने के कारण वहां के पुजारी लोगों को पंडित लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाबा जी को छोटे जात का नीच जात का समझाकर धक्का मुक्की देके मंदिर के पीछे हकल जाए पंडित लोगों। हकल जो शंकर जी के दिल में आया, मेरा भक्त 350-400 लंगे पाव से आया है और मेरे दरबार में उनको धक्का मुक्की मिली, इस वजह से बड़ा मंदिर ऑटोमेटिक उनके भक्ति से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा घूमते। वही मंदिर की कहावत गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है, जो जो नामा हरगुण उचरे भगत जनों का देवरा पे है। यही का गुरु ग्रंथ साहिब। मंदिर घुमाने के बाद बाबा जी आश्रम में आकर रुके, चक्की पे देख लिया सन्यासी लोग आखिर इसके कैसे खाते हो रहे। उनके दिल में भावना उत्पादों में रातों से कुछ सेवा होना चाहिए। बैल को पिछले नहीं जा रहा था, संगत ज्यादा बढ़ गई थी, संगत भूखी जा रही थी। बाबा जी को देखा नहीं गया, बाबा जी ने विठल भगवान का नाम लिया, चक्की पे हाथ रख लिया। हाथ रखते ही चक्की चलने लगी, 3.5 दिन लगातार चक्की चली आती है। यहाँ पे अनाज था उतना उन्हें पीस लिया, पका के साधु संतो लाखों संगत को बाबा जी ने खाया। उसी समय बाबा जी का नाम लिखा गया कि बाबा जी ने आके कुछ चमत्कार करके निकल गए। ये शासन गई उसी समय से बाबा जी के नाम पर। निर्वाण के दिन और पुण्यम के दिन लंगर की सेवा होती है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं आशीर्वाद राम जी जी का है। एक करंद ने भी जी श्रोमणी भगत नामदेव जी खड़ावां ने ओदे दर्शन कराउंदे ने जी। ये हुण आपां जिस मंदिर दे दर्शन कर रहे हां, ये उही मंदिर है जिसनों श्रोमणी भगत नामदेव जी ने घुमाया सी। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगां विच्चों एक है। जदों श्रोमणी भगत नामदेव जी इस मंदिर विच आए तां उस दिन इस मंदिर विच शिवरात्रि दा महापर्व मनाया जा रहा सी। श्रोमणी भगत नामदेव जी ने इस मंदिर नूं क्यों घुमाया अते इस मंदिर दा कुछ हिस्सा दोबारा क्यों बनाया गया, इन्हां सारे तत्थां नूं आपां अगली वीडियो दे विच जाणांगे। इस लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ अते बैल आइकन जरूर दबा दिओ ता कि जदों भी असीं नवीं वीडियो अपलोड करिए तां तुहानूं नोटिफिकेशन सब तों पहलां मिल सके।